मित्रों, आज हम ऐसे जिले के बारे में बात करेंगे जहां का दशहरा भारत के सबसे प्रसिद्ध दशहरों में से एक है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहां का दशहरा उत्सव 75 दिनों तक चलता है, जो कि काफी लंबा समय है और दूसरी जगहों के दशहरे के मुकाबले यहां के दर्शकों को काफी अलग बनाता है। मित्रों, यह एक ऐसा जिला है जहां बहुत से प्रकार की जनजातियां या आदिवासी वास करते हैं, जो अपनी अनूठी संस्कृति एवं ऐतिहासिक रहन सहन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध, जो कि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक जिला है। दोस्तों, यहाँ का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। मित्रों, यह जिला यानी बस्तर उत्तर पश्चिम में नारायणपुर जिले से, उत्तर में कोंडागांव जिले से, पूर्व में नवरंगपुर और रायपुर जिलों से, दक्षिण और पश्चिम में दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे जिलों से घिरा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से बस्तर क्षेत्र रामायण ग्रंथ में दंडकारण्य नाम से वर्णित है, महाभारत ग्रंथ में कोसल साम्राज्य के भाग के रूप में वर्णित है। तो बस्तर जिले के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यहां का कुल क्षेत्रफल 6597 किलोमीटर स्क्वायर यानी 2547 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बस्तर जिले की जनसंख्या उसके विभाजन से पहले 14,13,199 था, लेकिन विभाजन के बाद यह जनसंख्या घटकर 8,34,873 रह गई, जो कि भारत में इसे 348वां स्थान देता है। जिले का जनसंख्या घनत्व 140 निवासियों पर प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहां का साक्षरता दर लगभग 54.94% का है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1981 में बस्तर की आबादी लगभग 18,42,854 थी, जिसमें 12,49,197 निवासी अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। मित्रों, यह आंकड़ा लगभग 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ये आंकड़े 1999 के पहले के बस्तर जिले के हैं, जिसकी सीमा आज के नए बस्तर डिवीजन जैसी ही थी, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि यहाँ की 70% आबादी आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजातियों की है। इस जिले में बहुत से प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हल्बी, निगोड़ी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी। दुधवा है जिले की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा गोंडी है, जो कि अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। दोस्तों, यह जिला रहस्यमय बातों एवं विचित्रता से भरा पड़ा है, इतिहास में साफ साफ झलकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रूबरू कराते हैं इस जिले के रहस्य इतिहास से। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारे वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बस्तर की स्थापना 14वीं शताब्दी की शुरुआत में तेलंगाना में वारगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अनम्मा देव द्वारा की गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बस्तर और कांकेर रियासतें भारत सरकार में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के रूप में स्थापित कर दी गई। दोस्तों, 1999 में जिले को बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर के वर्तमान जिलों में विभाजित किया गया था और सन 2000 में बस्तर मध्य प्रदेश के 16 जिलों में से एक था, जिसने छत्तीसगढ़ के नए राज्य का एक हिस्सा बनाया और 2012 में इसे कोंडागांव जिला बनाने के लिए फिर से विभाजित किया गया था। ये चारों जिले बस्तर संभाग का हिस्सा ही थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बस्तर अपने पारंपरिक दशहरा उत्सव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 75 दिनों का दशहरा उत्सव मनाया जाता है। मित्रों, प्रशासनिक रूप में जिले को 4 तहसीलों जगदलपुर और बस्तर में विभाजित किया गया है। इस जिले में एक नगर पालिका जगदलपुर है। दोस्तों, जगदलपुर की आबादी लगभग 1,50,000 है, जो कि एक शहर है। दोस्तों, इस जिले में रेलवे स्टेशन और रोडवेज की सुविधाओं के साथ साथ एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि इसे काफी विकसित बनाता है। बस्तर की अर्थव्यवस्था पर नजर डाले हैं तो पता चलता है बस्तर में मुख्यतम रूप से कृषि निर्धारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ मुख्य रूप से खरीफ मौसम के दौरान चावल उगाए जाते हैं, जो कि लगभग आधी क्षेत्र में वर्षा आधारित फसल होती है। मित्रों, बस्तर में अभी भी पुरानी कृषि परंपराएं सामान्य हैं। यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको आमतौर पर बड़ी मात्रा में लकड़ी के हमलों का प्रयोग देखने को मिल जाएगा एवं यहाँ पर आपको बैलगाड़ियों का भी मुख्यतम प्रयोग देखने को मिलेगा।
दोस्तों यहाँ ट्रैक्टरों की संख्या ना के बराबर है, जबकि बैलगाड़ियों की संख्या व्यापक है। मित्रों जिले की अर्थव्यवस्था उद्योग पर भी निर्धारित है। तो यहाँ के कुछ मुख्य उद्योगों की बात करें तो वे मेन नगरनार स्टील प्लांट जो कि जगदलपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर दो पर टाटा स्टील प्लांट जो कि जून 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बस्तर जिले के जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये दोनों स्टील प्लांट यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्व निभाते हैं। मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बस्तर की कुल आबादी में 70% तो सिर्फ आदिवासी ही शामिल है। यहाँ बहुत सी जनजातियाँ अपना जीवन व्यापन कर रही हैं, जिनमें कुछ प्रमुख जनजातियों का नाम जैसे गुड़, अबूज मारिया, भातरा आदि है। दोस्तों बस्तर क्षेत्र की जनजातियाँ अपनी अनूठी और विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और विरासत के लिए जानी जाती है। यहाँ अलग अलग जनजाति ने अपनी अलग अलग किस्म की बोली विकसित कर ली है और इन सब जनजातियों का अलग अलग वेशभूषा है, रीति रिवाज अलग अलग विकसित कर लिए हैं। मित्रों बस्तर एक ऐसी जगह है जहाँ घूमने के ऐसे स्थान हैं जो आपको अचंभित कर सकते हैं। यहाँ के दृश्य मन को मोह लेने वाले हैं। तो चलिए आपको सैर कराते हैं बस्तर के कुछ प्रसिद्ध जगहों से, जिनमें कैलाश केवट, चित्रकूट वाटरफॉल, नारायणपुर मंदिर, गुमर वाटरफॉल, उत्तम सर्किट्स, कांगेर वैली, नेशनल पार्क आदि ऐसी बहुत सी जगह है जो आप यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले हम आपको बता दें कि बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कश्यप बताते हैं, राजपुर महल का मुख्य द्वार जगदलपुर राजमहल के सिंह द्वार से भी बड़ा है। महल का आवासीय हिस्सा पूरी तरह ढह चुका है, लेकिन महल के रक्षक देव के रूप में भगवान गणेश और घोड़े पर सवार कर्णाकुटीन देव की प्रतिमा आज भी विद्यमान है। किन सिंह द्वार के 6 खंडों में स्थापित पुरानी मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी विचित्र वीडियो लगातार सबसे जल्द देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी।